नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया कि मैंने ये अपना ओरिजिनल साइलेंसर चेंज करके ये AEW एग्जॉस्ट जो पुणे में बेस्ड एक कंपनी है उससे मैंने मंगाया था। आपको मैंने उसके बारे में रिव्यू भी किया था। तो अब मैं इसको दोबारा से अपना स्टॉक एग्जॉस्ट पर चेंज करने जा रहा हूँ। इसके क्या रीजन्स हैं ये मैं आपको चेंज करने के बाद बताऊँगा। तब तक के लिए आप देखिए मैं इसको जो है निकालता हूँ। इसके निकालने के लिए मुझे क्या क्या टूल्स की ज़रूरत महसूस होगी वो आप देखिए दोस्तों। एक ये है इस टाइप की, मुझे इसका नंबर नहीं पता, बट ये जो बड़ी वाली जो है ये मुझे इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ये वाले बोर्ड के लिए। और अब आप देखिए एक ये एलएनकी की साइलेंसर को निकालने के लिए क्या ज़रूरत। तो ये मैं बताऊंगा दोस्तों। ये जो फुट पैड जो लगा हुआ है इसके लिए मैंने एक एलन बोल्ट इसमें डाला हुआ है पीछे से। इससे फ़ायदा ये है दोस्तों, एलन की से ये बोल्ट बड़े आराम से खुल जाता है। अदरवाइज़ वहाँ थोड़ा सा अपना हाथ चलाने में दिक्कत आती है, इसलिए ये थोड़ा एलन की ईजली है। इसको यहाँ ऐसे दोस्तों लगाएंगे एलन बोल्ट में, यूँ सीधे लग गया, और इसे घुमाते जाइए, इसको घुमाते जाइए दोस्तों। देखिए ये ऐसे ये बाहर आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने एक एलन बोल्ट लगाया हुआ है, आपको दिख रहा हो तो ये देखिए। और इसको बस यहाँ से निकालना है और ये बाहर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसे निकाल के बाहर दिखाता हूँ और फिर इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट चेंज करेंगे। फिर मैं आपको उसके रीजंस बताऊँगा मैं क्यों स्टॉक एग्जॉस्ट पर आया। बने रहिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और अच्छी जानकारियाँ मैं आपको दूँगा दोस्तों। खोलने के बाद ये आप देखिए, अब ये दोनों मैंने अपने एक ये स्टॉक साइलेंसर और ये AEW मेगाफोन एग्जॉस्ट, अब देखिए मैं इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूँ। ये तो इसका वेट बिल्कुल, इसका वेट जो है ओरिजिनल स्टॉक एग्जॉस्ट का 3 गुना होगा इसके, ये बहुत लाइट वेट है। दूसरा दोस्तों ये देखिए ये क्लिप है, ये दोनों में लगभग अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है, ये बोल्ट भी अच्छे हैं दोनों में। अब आप देखिए ये जो यहाँ पे वेल्डिंग है इस पर इन्होंने कुछ ऐसा वाइट किया हुआ है ताकि इस पर रस्ट ना लगे, इस पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और इसकी जो वो हैं वेल्डिंग वाली चीज़ बहुत छोटी हैं, देखिए दोस्तों ये थोड़ा ये गिरने का चांसेस हो रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा आराम से बना रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप एक चीज़ ये देखिए, इसे आप देखेंगे तो आप ये बिल्कुल आपको आर पार दिख रहा होगा दोस्तों। अभी मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये देखिए दिखा दोस्तों कि नहीं दिखा, रुकिए दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, ये देखिए ये बिल्कुल आर पार है, इसमें कोई भी कुछ नहीं है, बस ग्लास बूल है। इसे हम फ्री फ्लो साइलेंसर भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं एक हाथ में उठा पा रहा हूँ उसे, ओरिजिनल स्टॉक एग्जॉस्ट को नहीं उठा पाऊँगा। दूसरा दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये होल दिया हुआ है जिससे पानी जाए तो ये बाहर निकल जाए। और आप ये देखिए इसमें मेरे काफ़ी स्क्रैचेस भी लग गए हैं ओरिजिनल में, शायद दिख नहीं पा रहे, उस साइड से देखेंगे दोस्तों। ये देखिए ये थोड़े से आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं, बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बल्कि है, मुझे नहीं पता कंपनी ने क्या सोच के बनाया। थोड़ी सी देखिए यहाँ पे जंग जैसी रस्ट लगी हुई है, पर इस बहुत गजब की क्वालिटी का है दोस्तों ये। अब आप इसे देखिए, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा आप कुछ भी, क्योंकि इसमें इतने सारी चीज़ें दी गई हैं गैसेस के लिए कि गंदी गैसेस बाहर ना निकलें और पॉल्यूशन ख़राब ना हो, एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, इसलिए काफ़ी सारे इसमें अंदर रिंग्स दी गई हैं। तो इसकी आवाज़ भी, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों क्या कारण है मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। ये बहुत बल्कि है, भारी है और टच भी होता है। ये सारी परेशानियों के बाद भी मैं इसी को लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि एक तो जो ये AEW स्टॉक, ये AEW जो मेगाफोन एग्जॉस्ट है इसकी साउंड बहुत ज़्यादा है, इससे मुझे थोड़ी डिसेंसी नहीं लगती। कहीं मैं जाता हूँ तो अलग से ही पता चल जाता है कि ये आ रही है बाइक, बहुत लाउड आवाज़ है इसकी, तो वो मुझे थोड़ी लाउडनेस पसंद नहीं। दूसरा दोस्तों मेरे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है
पर मुझे ऐसा फील होता है कि मेगाफोन एग्जॉस्ट साइलेंसर में इसका मेरा बाइक का जो वो है एवरेज 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कम होता है। ये मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं कोई डेटा नहीं है मेरे पास, ये एक रीज़न है इसको मैं अपने स्टॉक पर आ रहा हूँ। दूसरा, इसकी मुझे स्टॉक की आवाज़ ही पसंद आती है, बहुत कम आवाज़ है इसमें, आवाज़ बहुत लाउड है। तो इसको शौक के लिए कहीं जा रहे हैं तो लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और एक मेन रीज़न ये भी है दोस्तों कि आप ये देखिए, इस ये ऐसे पोजीशन आती है और ये इतना बड़ा होल है इसमें, देखिए इस होल में मुझे ऐसा लगता है कि बस रेन, इस समय रेनी सीज़न है कि इसमें वाटर जा सकता है अंदर, तो ये भी एक कारण है। और रस्ट ना पकड़ जाए, वैसे ही बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैंने आपको दिखा दी, 2-3 साल में इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल प्योर अभी भी स्टील जैसा रखा हुआ है। और ये ओरिजिनल है, आपके सामने देखिए, इस थोड़ा सा इसमें इस टाइप का हुआ है क्योंकि इसके साथ मैंने लॉन्ग राइड भी की है काफ़ी, अभी AEW के साथ लॉन्ग राइड नहीं की है। तो ये तो रेडनेस है, ये जंग नहीं कह सकते, ये गर्म होने की वजह से ऐसा हो जाता है। और दूसरे दोस्तों देखो, इसमें ये जो है, इसमें इस तरह की ये जो इसमें दी गई है, ये बाहर आप देख रहे हैं, ये ऐसा स्टॉक में नहीं है, ये बिल्कुल पूरा अंदर जाता है। तो ये है दोस्तों, आपको ये देखिए इसका कितना छोटा सा होल है, और वो भी काफ़ी, देखिए ये टिल्टेड है नीचे की तरफ, इसमें पानी जाने के चांसेस कम है, देखो साइड से दिखेगा दोस्तों। तो ये 2-3 रीजंस हैं, आप देखिए, जब भाई छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, ये कंपनी ने होल दिया है कि इसमें रेन, कोई बरसात का पानी या कोई पानी चला जाए वॉश करते में, गाड़ी सर्विसिंग में, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये डिपेट जैसी आपको दिख रही है, ये इसमें अंदर काफ़ी सारी रुकावटें हैं जिससे आवाज़ इतनी इसमें कम आती है और पॉइजनस गैसेस भी कम निकलती हैं। तो ये थोड़ा सा देख कर मैं बता पा रहा हूँ, वैसे कोई मेरे पास साइंटिफिक डेटा नहीं है। और दोस्तों, इसे चलाने, ये स्टॉक एग्जॉस्ट से ये बोलते हैं कि कोई परफॉर्मेंस स्टॉक एग्जॉस्ट में कम होती है और ये जो फ्री फ्लो में ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं होता, ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ वो स्टॉक एग्जॉस्ट को, और फिर मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बने रहिए। दोस्तों ये मैंने अपना स्टॉक ओरिजिनल साइलेंसर फिट कर दिया है, और इसकी आप आवाज़ भी सुन लीजिए। आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको AEW एग्जॉस्ट की आवाज़ नहीं सुनाई, वो मैंने पिछले अपने कई वीडियोस में सुना चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें आपको आज नहीं सुनाई। तो ये स्टॉक एग्जॉस्ट है दोस्तों, मुझे ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं लगती, इसलिए मैंने किया, हालांकि बहुत बल्कि है, तो दिखा सकता हूँ, देखिए इसका कैसे टच होता है, क्योंकि काफ़ी बाहर निकला हुआ है और काफ़ी पीछे तक है। वो जो AEW था उसको यहाँ लगता था, वो यहाँ ख़त्म हो जाता था वो, ये देखिए ये इतना करीब, इतना 1 फुट के आसपास ही बड़ा है उससे। दोस्तों एक और चीज़ है, ये देखिए इसमें ये जो RPM ये निडल है, ये अब इतना नहीं हिल रही है, जब ये AEW स्टॉक है, AEW जो इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ था, तो ये काफ़ी ऊपर नीचे होती थी, ये भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती थी इसमें, अब ये इतना नहीं हो रही है। दोस्तों मैंने पूरी फुल टैंक कराई थी, बहुत जल्दी मेरा ख़त्म हो गया लॉकडाउन में, जबकि चली भी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3 से 4 किलोमीटर एवरेज उसमें कम मिलता है, और ये आवाज़ मुझे अच्छी लग रही है, बहुत सूथिंग है, इसलिए मैंने ये चेंज किया। दोस्तों कोई भी आपको कोई किसी तरह की जानकारी मेरे से चाहिए हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और हो सके दोस्तों तो मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों मैं आपसे नमस्कार करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।